हे भगवान क्या बोल रही है? कहीं से कुछ पता तो नहीं चल रहा? क्यों? तुमने चाले तो बहुत चल भी सकते हैं, लेकिन शायद ये भूल गई थी कि सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। चाले? हम चाले चलेंगे? कि तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? अपने इस भोलेपन का, अपने भोलेपन की एक्टिंग ना कहीं और जाकर करो सकता है। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे कमरे में वो फूल तुम ही ने रखे और बंटी के नाम की झूठी चिट्ठी भी तुमने रखी। देखो, हमने तुम्हारे कमरे में कोई फूल वूल नहीं रखे। अच्छा, फूल वाले भैया को तो यही कहा था तुमने कि तुम्हारे दोस्त की दोस्त का जन्मदिन है। और सुनो, उस दिन जब बंटी नशे में कल जब बंटी नशे में घर पहुंचे तो उनकी उनका फोटो खींचकर अम्मा जी को दिखाने वाली भी तुम ही थी। सारिका, हमने अम्मा जी को कोई फोटो नहीं दिखाई, हमने कोई फोटो खींची ही नहीं। कल रात से तुम अपने दोस्त के यहाँ थी ना सकती, अब भी वही थी। और फोटो देखकर साफ पता चलता है कि वो फोटो तुम्हारी सहेली की खिड़की से ही खींची गई है। हाँ, हम मानते हैं, हमने अम्मा जी को ये बात बताई, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि क्योंकि हमें बंटी जी की चिंता है। माना कि हमारी शादी बंटी जी से ना हो पाए, पर इस घर से हमारा पुराना नाता है। अम्मा बाऊजी हमारे अम्मा बाऊजी की तरह, और ये सब हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि क्योंकि हमें बंटी जी की फिक्र है। अगर तुम्हें बंटी की जरा सी भी फिक्र होती ना सकता है तो तुम आकर या तो मुझसे बात करती या तो बंटी से। इस तरह अम्मा जी को फोटो दिखाकर उनके कान नहीं भरती। क्यों सकता है? क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों दखल दे रही हो मेरी और बंटी की शादीशुदा जिंदगी में? दोस्ती के नाम पर दुश्मनी निभा रही हो सकते है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए आज के बाद तुम इस घर में कदम मत रखना। ये हमारा परिवार है सत्या, और कोई भी आकर हमारे परिवार में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे ये मैं नहीं दूंगी। एक्शन। आज से इस घर में कभी कदम मत रखना सकता। ये हमारा घर, और कोई भी आकर हमारे घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे उसे इस घर में आने की इजाजत नहीं है, समझी? अब जाओ यहाँ से। लेकिन वो सिचुएशंस ही ऐसे क्रिएट कर देती हैं कि अम्मा जी उनसे और नफरत करने लगती हैं, तो मैं सत्या को पकड़ लेती हूँ और सबके सामने और कहती हूँ घर में आने से कहीं बताया। सत्या भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे मेरे और बंटी के शादी के बाद रिलेशनशिप अच्छी अच्छा ना चलने का। तो बाहर जाने के तो मैंने जो हमने देखा कि आपके दिन बाहर अंदर वापस अम्मा को
इसके बारे में तो मुझे नहीं पता कि इस पर अम्मा जी का क्या थॉट होने वाला है। मैंने अपना काम किया, अब देखते हैं इस घर के लोग क्या स्टेप लेते हैं आगे। और क्या आने वाले हैं? वो तो मैं नहीं बता सकती, बट हाँ आएंगे बहुत सारे फॉर श्योर। अच्छा, क्रिसमस आने वाला है, तो आपका क्या प्लान है? कुछ भी नहीं, मैं शूटिंग कर रही हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, तो क्रिसमस के लिए व्यूअर्स क्या बोलना चाहिए? मैं अपने सभी व्यूअर्स को क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ दे रही हूँ। हैव अ वेरी वेरी हैप्पी एक्समस एंड अ मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।